चलिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको MDU के जो भी BA के डिस्टेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले ईयर का पेपर लेके आ चुका हूँ, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और वीडियो को ज़रा सा भी कट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं पूरी तरीके से डिसाइड करवा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कोड हो जाता है हमारा, और यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर DD यानी कि जिसका डिस्टेंस में री है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और ये जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो लगभग 100 नंबर का होने वाला है, और यहाँ पर जो 100 नंबर का पेपर होगा आपका, और हम बात करते हैं कि क्या 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 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नव पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं का विवरण कीजिए। तो ये आपका बहुत ही मेन क्वेश्चन हो जाता है, नव पाषाण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए आप, अदरवाइज आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक नई वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। अदरवाइज मैं इस वीडियो के अंदर नहीं डाल रहा हूँ, तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं डाल दूँगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वैदिक काल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझाएं, यानी कि राजनीतिक काल में अर्थव्यवस्था को समझाएं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होगा, दोनों नहीं करने, आपको सिर्फ इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लेना है और वो आपको क्लियर कर देना है। तो कम से कम 2 से 3 पेज आपको भरने होंगे, तब जाकर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और अब आप बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन नजर आता है, कनिष्क पर एक निबंध लिखें। तो यहाँ पर कनिष्क पर एक निबंध लिखें, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा, अदरवाइज तो मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ। कनिष्क पर एक निबंध लिखें, तो यहाँ पर ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा जान लेना है। तो और भी आपको बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारा, प्राचीन काल में नारी की दशा का विवरण कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको चाहे तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, प्राचीन काल में नारी की दशा का विवरण कर सकते हैं आप, कि उनके बारे में, उनके थ्रू के बारे में, यानी कि वो किस तरीके की परेशानियां झेलती थी। तो आपको सिंपली ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब थर्ड यूनिट की। तो यहाँ पर थर्ड यूनिट में क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई और भारत पर इसका प्रभाव के विस्तार से समझाएं, यानी कि विस्तार से चर्चा कीजिए। तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, भारत पर इसका प्रभाव क्या हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको इसके बारे में सॉल्व कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है और जाना है और पेपर सॉल्व कर देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति को समझाएं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार की नीति नियंत्रण को समझाएं। तो यहाँ पर ये काफ़ी हार्डनेस क्वेश्चन निकल के आ जाता है, तो अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण को, चलिए बात करते हैं आगे आपको क्या मिलता है। तो आगे आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिलता है, भारत, इसको समझिएगा, भारत के रेखा मानचित्र पर अशोक के साम्राज्य पर विस्तार से उसका समझ, यानी कि आपके पास एक नक्शा दिया जाएगा आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखिएगा, आपको एक नक्शा दिया जाएगा, उसमें आपको अशोक साम्राज्य के विस्तार तथा इसके स्तंभ लेख दर्शाएंगे, यानी कि उस नक्शे में आपको अशोक के स्तंभ लेख दर्शाने होंगे और उस पर एक टिप्पणी भी लिखनी होगी, ठीक है। या फिर अगर आप ये नहीं आता तो आप अदरवाइज यहाँ पर देखिएगा, भारत के रेखा मानचित्र पर प्राचीन भारत के प्रमुख बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र तथा रास्ते दर्शाई एक एकात्मक टिप्पणी लिखिए, यानी कि उनके ऊपर भारत के रेखा मानचित्र पर प्राचीन भारत में प्रमुख बंदरगाह,
व्यापारिक जो व्यापारी के लिए यूज होते थे प्रमुख बंदरगाह उसके आपको यहाँ पर मानचित्र में दर्शाना होगा और आपको कॉपी के अंदर यहाँ पर एक व्याख्या भी लिखनी होगी, यानी कई व्याख्या भी लिखनी होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला यूनिट है वो यहाँ पर लगभग आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी 10 क्वेश्चन आपको करने हैं तो हस्तकुठार क्या होता है आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। हस्तकुठार यानी कि हाथ से। अब यहाँ पर बात करते हैं हिसार ए फिरोजा कौन था, क्या था, जो भी आपको लिखना है वो। तो यहाँ पर हवेन तसंग, तो यहाँ पर हुसैन तसंग देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। कालिदास के बारे में आ सकता है, कालिदास कौन था, क्या था, कालिदास जो भी आपका बने देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। अदरवाइज आपको सोल पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं एक सोल भी पेपर बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन आपके कमेंट आएंगे जब भी बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए सोल पेपर भी बना दूंगा। लुम्बनी तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, लुम्बनी क्या है, कौन है, कैसे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मंजूश्री मूल कल्प क्या है आपको खुद समझना होगा। पंचमार्क सिक्के कहाँ चलते थे, क्या थे, क्या नहीं थे, आपको इसके बारे में समझना होगा। राखी गढ़ी क्या थी, राखी गढ़ी कहाँ पे थी, क्या था, समझिएगा। और यहाँ पर चंद्रा दाई कौन थी, क्या थी, क्या थी, आपको समझना होगा। एक ये क्वेश्चन आ सकता है आपके में। और तहकीक ए हिंद ये भी आपके में क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर तक्षशिला भी आ सकता है। कम से कम मैंने आपको 12 क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन आपके में आएंगे 10 ही, ठीक है। तो आपको 10 ही करने हैं, इनमें से 12 में से कोई भी। बिम कैडफिशेस क्या थी, क्या थी, तो यहाँ पर मैंने पूरा ही पेपर आपको सोल्व समझा दिया है। अदरवाइज आपको सोल पेपर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक नई वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आपको सोल पेपर सभी दे दूंगा। और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इस तरीके की जानकारी और भी देता रहूँ। आपको बता दूँ पूरा सोल पेपर लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आपको सोल पेपर चाहिए 100% कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक नई वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो देख लो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।